नमस्कार दोस्तों, पहले वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के गेंदबाजों के आगे ढेर हुए वेस्टइंडीज के बल्लेबाज। आते ही मोहम्मद सिराज और वाशिंगटन सुंदर ने वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को किया धराशायी। तो क्या है पूरे मैच का हाइलाइट्स बताएंगे आपको इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आप इस मुकाबले को बिल्कुल फ्री में देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे टेलीग्राम के चैनल को ज्वाइन कर लें। भारत और वेस्टइंडीज के बीच आज पहले मुकाबले में भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं भारतीय टीम की तरफ से प्लेइंग 11 में दीपक हुड्डा ने डेब्यू किया और वेस्टइंडीज की टीम की तरफ से ओपनिंग करने साई होप और ब्रेंडन किंग आए। लेकिन वेस्टइंडीज की टीम की शुरुआत बेहद ही खराब रही। भारतीय टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने आते ही पहला ओवर मैडन डाल दिया। फिर उसके बाद मोहम्मद सिराज ने अपने दूसरे ओवर में साई होप को 8 रनों पर बोल्ड करके पवेलियन भेज दिया और मोहम्मद सिराज काफी किफायती गेंदबाजी कर रहे थे। मोहम्मद सिराज ने महज 4 ओवर में 9 रन देकर 2 मैडन के साथ 1 विकेट चटका। फिर उसके बाद वाशिंगटन सुंदर ने अपनी खतरनाक गेंदबाजी से वेस्टइंडीज के लगातार 2 विकेट चटका दिए। डेविन ब्रावो को वाशिंगटन सुंदर ने 18 रनों पर LBW आउट कर दिया। फिर ब्रेंडन किंग को भी 13 रनों पर सूर्य कुमार यादव के हाथों वाशिंगटन सुंदर ने कैच आउट करवा दिया और महज 45 रनों के स्कोर पर वेस्टइंडीज के 3 बल्लेबाज आउट हो चुके थे। लेकिन फिर उसके बाद निकलस पूरन ने पारी को संभाला, लेकिन निकलस पूरन भी 18 रन बनाकर युजवेंद्र चहल के जाल में फंस गए और वेस्टइंडीज की टीम को 71 रनों पर चौथा झटका लगा। फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम 20 ओवर में 72 रन 4 विकेट के नुकसान पर बना चुकी है। तो दोस्तों, ऐसी ही क्रिकेट की ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।